जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं आपका दोस्त अपना सलमान अहमद। आज हमारे खास मेहमान है चुनावी दंगल के हमारे वरिष्ठ पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी, जो कि आज हमारे साथ बातचीत करेंगे कि चुनाव का माहौल क्या है, किस तरीके से जनता रुचि दिखा रही है। सर, नगर पालिका बहराइच के आप संभावित प्रत्याशी हैं, आप एक साधारण पत्रकार होते हुए राजनीति में कदम रखने का फैसला आपने कैसे ले लिया? मैंने देखा है इधर पिछले कुछ सालों से जो बहराइच की लीडरशिप है वो जीरो हो गई है। जीरो होने की वजह से जो गरीब लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। एक नेता की कमी को महसूस करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अगर इस शहर की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया तो इस कमी को दूर करूंगा। सर, क्या क्या मुद्दे आपके होंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? सर देखिए, नगर पालिका बहुत सीमित संसाधनों की जगह है। नगर पालिका को सिर्फ दो काम मेन करने होते हैं, एक सफाई, दूसरा पानी। और हमारा शहर दुर्भाग्य से पूरा गंदा है और पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। शहर गंदा होने की वजह से सिर्फ गंदगी का ही लोगों को सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि उस गंदगी से तमाम महामारियां और बीमारियां फैल रही हैं। और उन बीमारियों की वजह से डॉक्टरों के यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, उसमें गरीबों का पैसा, जो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पालने के लिए कमाते हैं, उस पैसे का भारी अंश डॉक्टरों के पास या मेडिकल स्टोरों के पास जा रहा है। अगर हमारी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होती जो हो सकती है, तो शायद आवाम को ये मुंह न देखना पड़ता। सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा आपका तजुर्बा भी है। सर आप फील्ड में निकलते हैं, तो लोगों का व्यवहार, लोगों का सपोर्ट आपको कैसा लगता है? सर देखिए, लोग हमें बहुत समर्थन कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि काफी सालों के बाद कोई पढ़ा लिखा नुमाइंदा हमारे बीच में आया है और हम आपको पूरा मौका देंगे, ऐसा वादा वो कर रहे हैं। और मुझे इस आवाम की, इस जनता की से जो मोहब्बतें मिल रही हैं, उसे देखकर मुझे लगता भी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हमें मुकाबला करना है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए हमें उनकी तमाम साजिशों को ध्यान में रखते हुए, उनकी तमाम कोशिशों को ध्यान में रखते हुए रणनीति के तहत इस चुनाव को लड़ना है और इंशाअल्लाह विजय श्री हासिल करना है। सर, क्या आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, पार्टी देखिए, मेरी कोई विचारधारा नहीं है और मैं मानता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां किसी न किसी रूप में जनता का शोषण कर रही हैं, जनता को उनका हक नहीं दिला रही हैं। और अब तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि एक पार्टी ऐसी है जिसने हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत की जो खाई पैदा की है, उसको बांटना बहुत जरूरी हो गया इस देश को बचाने के लिए। तो दल कोई भी हो, कोई दल जातिवादी है, कोई दल धर्मांधवादी है, कोई दल इन दलों का सामाजिक नीतियों से कोई सरोकार नहीं बचा है, इसलिए किसी दल में जाने का और किसी दल से चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आवाम को लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं उनकी बेहतर सेवा कर सकता हूं, तो वह हमें जरूर मौका देंगे। सर, एक चीज और देखा जाए तो यहाँ के वर्तमान चेयरमैन हाजी रिहान आरती जी कई वर्षों से कब्जा बना के रखे हैं, क्या इस बार जनता उनका बदलाव करेगी, नया चेहरा देखेगी या फिर पुराने चेहरे ही देखेंगे? अब ये तो जनता से पूछिए जी। और
ये सब ये इसका जवाब जनता ही दे पाएगी, क्योंकि उसी को बनाना होता है, उसी को बिगाड़ना होता है। जिसको वो चाहेगी बना देगी, जिसको चाहेगी बिगाड़ देगी। सर अगर देखा जाए तो आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज प्रत्याशी जैसे वर्तमान चेयरमैन हाजी रेहान आरती व पत्रकार अजय शर्मा जी आ रहे हैं, इन सबका सामना आप कैसे करेंगे सर? देखिए सामना चुनाव में प्रत्याशी नहीं करता है जी, चुनाव में आवाम जिसको ताकत देती है जी वो नुमाइंदा चुना जाता है जी। और हम जो शहर में माहौल देख रहे हैं जी, और जो मेरा नारा है कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, इसी नारे को लेके हम चुनाव मैदान में आए हैं। जनता का हमें बहुत प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह फतेह भी हमारी होगी। सर क्या लगता है किनके समर्थन से आप चुनाव लड़ेंगे, या किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई है, या फिर आपके पत्रकार साथी आपका सहयोग करेंगे? सर नहीं, हमारे पत्रकार साथियों ने हमसे वादा किया है मदद करने का, उनके उनका मदद, उसके अलावा किसी नेता से हमारी कोई मदद की दरकार भी नहीं है, और मैं किसी की कोई मदद चाहता भी नहीं हूँ। क्योंकि नेता की मदद लेने लेकर चुनाव जीतने का मतलब है नेता की गुलामी जी। और गुलामी हमने जिंदगी में की नहीं है, गुलाम हम सिर्फ ऊपर वाले के हैं और सब उसी के गुलाम बने रहना चाहते हैं जी। सर आप कई चैनल जैसे आज तक देखा है, और आप इस समय वर्तमान में NDTV देख रहे हैं सर, तो आप जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को दिखाते हैं सर, तो आप जब ग्राउंड पे निकलते हैं सर, तो ऐसे क्या कमी आपको देखने को मिलती है कि ऐसी कोई कमी रहेगी जिसकी वजह से आपको मैदान में आने पड़ा चुनाव के मैदान में? हमने बताया कि आवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस जुल्म ज्यादती के खिलाफ नेतृत्व देने वाला कोई नेता बहराइच शहर में नजर नहीं आ रहा है जी। नेताओं ने दलालों का रूप धारण कर लिया है, पैसे के बगैर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है, और छोटी छोटी चीजों के लिए आवाम को तरसना पड़ रहा है। उसी संघर्ष को गति देने के लिए और आवाम को उसका हक दिलाने की कोशिश करने का नतीजा मेरा चुनाव लड़ना है, और मैं ये चुनाव लड़ूंगा इंशाल्लाह, और कामयाबी मिलेगी। सर एक और सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान चेयरमैन हाजी रेहान आरती, जो कि उनका कार्य बहुत अच्छा है, कार्य प्रणाली वो विकास के रास्ते पर अग्रसर है, सर उनको पुनः बनाएंगे, उनका ये कथन है, कहना है उनका कि हम पुनः उनको बनाएंगे। सर जहां तक हम आप सोचे देखा जाए कि उनका कार्य अगर अच्छा ना होता तो विगत कई वर्षों से वो चेयरमैन के पद पर विराजमान है, सर इससे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर उनका काम अच्छा है, आवाम उनको दोबारा चाहती है, तो उसमें कौन सी खास बात है जी? भाई वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि ये तो आवाम को तय करना है कि उनके लिए बेहतर कौन हो सकता है, और अगर आवाम की निगाह में वो बहुत अच्छे हैं तो मुबारक। सर यदि आपको जनता चेयरमैन का कार्यभार सौंपती है तो आप उनके लिए नई सौगात के रूप में क्या लेकर आएंगे? देखिए एक काम जो मुझे सबसे पहले करना है जी, पिछले 15 सालों से जी नगर पालिका परिषद ने जी शहर का सर्वे नहीं कराया है जी, सर्वे करके लोगों के मकान उन्होंने दर्ज नहीं कराए हैं जी, जबकि म्युनिसिपल एक्ट में ये मौजूद है कि हर पंचवर्षीय कर निर्धारण सर्वे होना चाहिए नियमानुसार। कर निर्धारण सर्वे इसलिए नहीं होता है नगर पालिका में 15 साल से क्योंकि म्यूटेशन के लिए आवाम से जनता से मोटी मोटी रकम 15,000-20,000 रुपए एक म्यूटेशन में लिया जाता है। अगर मैं अध्यक्ष बना तो पहला मेरा जो निर्णय होगा कि 3 महीने के अंदर पूरे शहर में सर्वे करवा के एक एक मकान बगैर किसी खर्चे के फ्री ऑफ कॉस्ट नगर पालिका में मैं दर्ज करवाऊंगा। ये मेरा पहली प्राथमिकता है जी। दूसरी प्राथमिकता इस शहर की सफाई है जी। इस शहर को सुंदर बनाने की कोशिश करूंगा जी। ऐसा शहर बनाऊंगा जी जो कम से कम उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनावे और बहराइच का नाम रोशन हो जी। सर लास्ट सवाल, बहराइच की जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि एक बार वो हमें काम करने का मौका दे जी। अगर हमें एक बार उन्होंने मौका दिया जी तो 5 सालों के बाद वो मेरे पास आएंगे कहने के लिए कि आप चुनाव लड़िए दोबारा, हम आपके साथ में हैं जी, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो जी। और अगर हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे जी तो हम उनसे यह भी निवेदन कर रहे हैं कि 5 साल के बाद आप हमें हटा दीजिएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय हमें दिया, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं आपको छोटी बड़ी खबरों को हर समय हर पल आपको दिखाता रहूंगा। तब तक ले करते हैं अलविदा, धन्यवाद।